अब तक आपने देखा शत्रु को दिल से जीत लेने की बात पर ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा को दरबार से चले जाने का आदेश देते हैं। अनुसूची अनुसार महाराज सलेम में शिवाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, किंतु ओरिसा नरेश गजपति प्रताप रुद्रदेव के आगमन पर मात्र प्रथम अभिषेक करने हेतु युद्ध की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अब आगे मामा महामंत्री जाकर देखिए पुरोहित जी अभी तक लौटे क्यों नहीं। जी महामंत्री तिमारसु। महाराज जाकर शीघ्र देखिए पुरोहित को क्या हुआ, आए क्यों नहीं अब तक। जी महाराज वो पुरोहित जी नहीं आएंगे। क्यों महाराज वो तो भयभीत होकर भाग गए। इनका कहने का आशय है उनका स्वास्थ्य उचित नहीं है तो वो भागकर वैद्य के पास गए। और जाते जाते हमें अवगत करा कर गए हैं कि रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त कुछ समय पश्चात निकल जाने वाला है और प्रथम हम के कारण यदि वो शुभ मुहूर्त निकल गया तो रुद्राभिषेक ना आप कर पाएंगे और ना आप। पंडित रामा कृष्णा आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या हम ये रुद्राभिषेक सर्वप्रथम इन्हें करने थे। हाँ। नहीं नहीं महाराज प्रथम और पश्चात का विषय ही नहीं रखते है ना, मैं और गुरुवर मिलकर आप दोनों को एक साथ रुद्राभिषेक करवा देंगे। संभव, ये हमारी आन के विरुद्ध है, ये हमारी शान के विरुद्ध है। सोच लीजिए महाराज, यदि ये शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ तो दोनों राज्यों के लिए अपशकुन हो सकता है। क्यों गुरुवर है? क्यों गुरुवर? सत्य सत्य, हम अपनी ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हैं, हमें आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है दोनों राज्यों का। उचित है यदि यह प्रश्न हमारे राज्य के हित के विषय में है तो हमें स्वीकार है। राज्य का हित तो हमारे महाराज भी सोचते हैं, किंतु दोनों महाराज एक साथ अभिषेक ये हमारे महाराज कदापि नहीं करेंगे। रहने दीजिए, हम नहीं चाहते हमारे कारण एक शुभ घड़ी व्यतीत हो जाए। परंतु महाराज। क्या परंतु 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 है? अब दोनों सहमत हैं तो आप कह रहे समाप्त करने की अपेक्षा बात बढ़ाने पर तुले हैं। चुप रहिया, बताइए अब पूजा कैसे आरंभ की जाए। हाँ बताइए पूजा कैसे आरंभ की जाए। हमें पता है गुरुजी आपको विधि नहीं आती। हम बोलेंगे। आप मत बोलिए, हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं सुनिए आप। विधि आती है, हमें अच्छे से विधि आती है। अब क्या है कि दोनों का रुद्राभिषेक आगे पीछे ना हो जाए तो हमने बढ़पन दिखाया और अवसर पंडित रामाकृष्णा को दिया है। ये वृद्ध पंडित बहुत ज्ञानी लगते हैं। हाँ तो पंडित रामाकृष्णा प्रारंभ कीजिए, हमने सिखाया था ना वैसे ही कीजिए। जी गुरुवर अवश्य। सर्वप्रथम भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के साथ बाल शिव का स्मरण करते हुए जल से अभिषेक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विधि संपन्न हुई। धन्यवाद धन्यवाद। रुकिए अभी अभी कुछ शेष है। अब क्या शेष है गुरुवर? महाराज पंडित रामाकृष्ण अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, इन्हें स्मरण नहीं। एक वस्तु है जिसके बिना रुद्राभिषेक तो क्या बड़ी से बड़ी पूजा भी संपन्न नहीं होती। तो आप हमें बताइए, हम ये पूजा संपन्न करेंगे। पवित्र हृदय से, हृदय खोलकर अधिक से अधिक संभावना अर्थात दक्षिणा देने पर ही पूजा संपन्न होती है।
वैसे महाराज, यदि स्वयं को समर्पण कर दिया जाए तो फिर दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों आवश्यकता नहीं होती है? अवश्य आवश्यकता होती है पंडित रामकृष्णा, आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए। श्रद्धा से दक्षिणा देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। संभवतः आपके महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ यहां पधारे। किसी भी कार्य में कमी छोड़ना कृष्णदेवराय ने भी नहीं सीखा है। जगन मोहिनी तो अपने नेत्र महाराज से हटा ही नहीं रही। आप दोनों महाराज ने हृदय खोलकर दक्षिणा दी। धन्यवाद धन्यवाद। अब इस दक्षिणा को दरिद्रों में वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, यही उचित रहेगा। ये समस्त दक्षिणा दरिद्रों में वितरित कर दी जाए। ये उचित नहीं हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। दोनों को एक दूसरे से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। कैसे घूर रहे थे दोनों एक दूसरे को? हाँ, जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था आलिंगन ही कर लेंगे, कस के भुजाओं में भर लेंगे। आलिंगन भुजाओं में भर लेंगे? हाँ, और तत्पश्चात ची 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 ची, हमें तो बोलने में भी लज्जा आ रही है। क्या बोलने में लज्जा आ रही है? वही जो अम्मा को लगता है। क्या लगता है अम्मा को? यही कि दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। हैं? विवाह? अरे विक्षिप्त हो गई हो क्या शारदा? विक्षिप्त तो वो दोनों लग रहे थे। कैसे एक दूसरे पर डोरे डाल रहे थे। अरे वो दोनों एक दूसरे पर डोरे क्यों डालेंगे, कुछ भी बोल रही हो। उठा लो। क्या उठा लो? आपके नेत्रों पे महाराज की श्रद्धा का जो आवरण पड़ा है ना, उसे उठा लो। हमने देखा है महाराज के नेत्रों में प्रेम। महाराज के नेत्रों में गजपति के लिए प्रेम? वाह। हम महाराज और गजपति की बात नहीं कर रहे। तो किसके विषय में कह रही हो? हम महाराज और जगन मोहिनी की बात कर रहे हैं। जगन मोहिनी? महाराज गजपति की पुत्री जगन मोहिनी और हमारे महाराज। गुड़प्पे, शीघ्र खिड़कियों के पर्दे लगा, चल। गुंडप्पे, अपने दोनों कान बंद कर ले, अम्मा और शारदा कुछ भी बोल रहे हैं। यदि किसी ने सुन लिया ना, तो कल का होता युद्ध आज हो जाएगा। परंतु हम सत्य कह रहे हैं। मेरा अनुमान सदैव सत्य होता है। ये मेरी छुपी हुई प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा, अपनी कला अपने पास रखो अम्मेश्वरी। मेरा तो अनुमान है कि कोई भूकंप आने वाला है। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, भूकंप आ चुका है और अब तो लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे दोनों महाराज आमने सामने हैं, अभी तो केवल शब्दों के बाण चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं तलवारें भी चल जाए। ऊपर से रानियां भी एक साथ शिविर में हैं, उन्हें भी केवल एक कारण चाहिए, लड़ाई के लिए। सावधान, तुम दोनों ने जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों में से किसी को भी एक शब्द भी बोला तो उचित नहीं होगा। क्या कर लोगे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या लोगे? बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो कर क्या लोगे? अरे मैं अपने प्राण दे दूंगा। ओके,
उचित बोल रही है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्या नहीं बोलना? कुछ नहीं मंत्रीवर, चलिए कहीं वहां तलवारें ना चलने लग जाएं। चलिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे ओडिशा के दरबार में कोई भी समस्या बिना निवारण के नहीं लौटती। आप तो ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि हमारे राज दरबार में जब भी कोई समस्या आती है उसके दो तो हल होते हैं, एक नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप और भी अचंभित हो जाएंगे कि हमारे दरबार में मुद्दा आने से पहले ही हमारा दरबान उस मुद्दे का निवारण कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको ये जानकर उससे भी अधिक आश्चर्य होगा कि हमारे राज दरबार में जो भी समस्या आती है वो अपने आप ही सुलझ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कभी कभी अपराध सुनने से पहले ही मृत्यु दंड दे देते हैं। मुद्दा सुने बिना ही मृत्यु दंड? मतलब हमें ये आभास हो जाता है कि दोषी कौन है तो हम मृत्यु दंड दे देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो हम सप्ताह में 3-4 मृत्यु दंड घोषित कर देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो हर प्रहर में बस मृत्यु दंड देते रहते हैं। हमारा तो जब भी मन होता है हम किसी ना किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। अरे हमारी तो उंगली जिसकी ओर उठती है हम तो उसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। इसके स्थान पर वो बुढ़ा पंडित होता तो और भी अधिक आनंद आता। आपको तो अपनी उंगली उठानी पड़ती है, हमारे तो केवल दृष्टि ही पर्याप्त। आज देखेगा यहाँ पर इस कक्ष में जो भी सर्वप्रथम आएगा और जो भी हमें दृष्टिगत होगा उसे हम मृत्यु दंड दे देंगे। अरे आप क्या देंगे मृत्यु दंड? व्यक्ति आपके राज्य का हो या हमारे राज्य का, मृत्यु दंड तो हम देंगे। देखते हैं। हाँ देखते हैं, अगले व्यक्ति को आने तो दीजिए। रुकिए, आपने जो किया अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्ण, अब देखो हम क्या करते हैं। मैंने क्या किया गुरुवर? अरे सारी दक्षिणा बिटवा दी, विदित नहीं? एक ब्राह्मण के लिए दक्षिणा कितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है। हाँ विदित है, परंतु वो समस्त भी तो दरिद्र ब्राह्मण थे ना। तो क्या हुआ, हमें तो नहीं मिली ना, उचित नहीं किया तुमने। नहीं नहीं गुरुवर, आपने नेकी का कार्य किया है, पुण्य तो आपको भी अवश्य मिलेगा। सत्य वचन। अरे क्या सत्य वचन, सत्य वचन? हम क्या आचार डालेंगे पुण्य का? सारा आश्रय तो तुम ले जाओगे। नाना गुरुवर, मैंने कुछ नहीं लिया और ईश्वर भी तो देख रहा है। हाँ। वो आपको श्रेय में पुण्य अवश्य देगा, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। जैसी आपकी इच्छा। रुकिए, त्रुटि पर त्रुटि, अब हमसे आगे निकलोगे? बड़ा कौन? आप। गुरु कौन? आप। तो प्रथम किसे प्रवेश करना चाहिए? आपको। यहीं खड़े रहो। चल मनी, चल 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 चल। पता नहीं इस बुढ़ऊ को बलि का बकरा बनने में इतना आनंद क्यों आता है। अब असली आनंद तो हमें आएगा। हम हैं महारानी तिरुमलम्बा, महाराज कृष्णदेवराय की छोटी महारानी। और हम हैं महारानी चिन्ना देवी, महाराज कृष्णदेवराय की बड़ी महारानी। हम हैं पद्माल्या, एकमात्र महारानी। ये है हमारी प्यारी सुपुत्री राजकुमारी जगन मोहिनी। हमारा तो हृदय कर रहा है अभी बता दें। मेरा भी, परंतु हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा अन्यथा रामा अपने प्राण दे देगा। जितनी रूपवती है उतनी सुंदर मुस्कान, उतनी सुंदर पोशाक और उतने ही मनमोहक आभूषण। ये देखो अनेक प्रांत के रत्न। ओह, हमारे तो हर आभूषण में हर प्रांत के रत्न होते ही हैं। अभी तो महारानी तिरुमलम्बा के पास तो विदेशों से आए रत्न भी हैं। हाँ, परंतु हमें तो ज्ञात नहीं है। देखिए इतने हैं कि इन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि इनके पास कितने आभूषण हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आपको ये तो स्मरण होगा ना कि महाराज ने जो हमें 9 लाख का हार दिया था वो हमने कहाँ रखा है? क्या महाराज ने आपको 9 लाख का हार दिया था और हमें नहीं दिया?
देखिए पुनः भूल गई। महाराज इतने उपहार देते रहते हैं ना, इसीलिए। अरे दान तो हमारे राज्य में किया जाता है, बोरे भर के मोतियों और रत्न दिए जाते हैं। अब कली पूजा में आने से पहले महाराजा ने राजकुमारी के हाथों 100 बोरे मोतियों दान किए हैं। देखो ना, आज भी राजकुमारी के हाथ में पीड़ा है। हम भी बहुत दान करते हैं। पिछले सप्ताह हमने करेले के लड्डू बनाकर दान किए थे। बस अरे हमारे हाथ के काली मिर्च के बने लड्डू खाकर तो लोग अपनी उंगलियां काट लेते हैं। काली मिर्च के लड्डू? लगता है दोनों बिछड़ी हुई बहने हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। दीदी दीदी दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, तो दीदी ही बोलेंगे ना? इसने तो रिश्ता बनाना भी आरंभ कर दिया। अम्मा पूर्ण तैयारी के साथ आई है, अब देखो कैसे अपना चाल बिछाते हैं। अब आप गाती भी हैं? ये हमारी छिपी कला थी, अभी अभी आरंभ किया है। हम भी गाते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हम आज से ही अपना अभ्यास आरंभ करेंगे। अम्मा, इनमें भी मित्रता हो गई, ये भी विपदा को गले लगा रहे हैं, अब तो इन्हें बताना ही होगा। परंतु रामा, रामा से कौन भयभीत होता है? उल्टा वो मेरी लाठी से भयभीत होता है। आइए हम आपको हमारा तानपुरा दिखा दें। चलिए हम अपने अपने स्वामियों को भोजन प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। चलिए अब क्या बचेगा अम्मा? तानपुरा? नहीं, अब या तो शहनाई बजेगी या युद्ध का शंख। हमें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल उस व्यक्ति की आहट से उसे मृत्यु दंड दे देंगे। सर्वप्रथम जो भी इस कक्ष में आएगा उसकी आहट सुनकर हम उसे मृत्यु दंड दे देंगे। आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड? मृत्यु दंड क्यों 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 क्यों? गुरु जी, आप तो यहाँ पे आए थे पंडित रामा कृष्णा को दंड दिलाने, उल्टा आपको ही दंड मिल गया। वो भी मृत्यु दंड? गुरु जी मृत्यु दंड? मामा महामंत्री, इनको मृत्यु दंड दो। महामंत्री तिमारसु, इन्हें दंड हमारे राज्य में दिया जाए। तुमने अपराध क्या किया है? हमने तय किया था कि जो भी सर्वप्रथम भीतर आएगा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हमने किया था, मृत्यु दंड भी हम ही देंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुरु जी, महाराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वीकार कर लीजिए मृत्यु दंड, प्यार से कर लीजिए। ठीक नहीं। इनका मृत्यु दंड हमारी ओर से निश्चित है, ये हमने निश्चित किया है। परंतु आप दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा, मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कौन करेगा, हम अभी इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े तो हमारी तलवार से होंगे। हम कोई तरबूज है जो हमारे टुकड़े टुकड़े होंगे? महाराज नहीं। पंडित रामकृष्ण, आप हमसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, इतनी उत्तंडता, इतना साहस, इतना दुस्साहस। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल आपको अनर्थ करने से बचा रहा हूँ। कैसा अनर्थ पंडित रामकृष्ण? ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, टुकड़े तो हमारी तलवार से ही होंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.